18 से 44 के बीच की उम्र के 10 लाख से अधिक लोगों को, युवाओं को वैक्सीन दिया है। अभी तक हमारे कमिश्नरी मुख्यालय और कुल 23 जनपद हमारे वर्तमान में 18 से 23 उम्र के लोगों, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कार्रवाई के साथ जुड़े थे। पहली जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैंने इस संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी उनकी सक्रियता के साथ, जो भूमिका अब तक रही है उसी सक्रियता के साथ, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने, जीरो वेस्टेज तक पहुंचाने, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से बूथ बनाने और हर यूथ को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है। और गांव गांव में भी हम लोग लोगों को प्रेरित कर सकें, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में आगे बढ़ सकें, इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सफलतापूर्वक इस महामारी, सदी की सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने और उसके अपेक्षित परिणाम लाने में सफल होंगे। आप सबसे ही मेरी अपील है, ये महामारी एक सामान्य फ्लू नहीं है, इस सदी की एक महामारी है। केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए पूरी ताकत और पूरा संसाधन लगा रही है, और हमारा प्रयास है कि व्यक्ति के जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाया जाए। आप सबसे मेरा अपील है कि जन जागरण में आपका बहुत बड़ा योगदान है, एक एक व्यक्ति को जागरूक करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हर व्यक्ति से हम इस बारे में कहें कि जो चीज पहले वेब से ही जिन बातों के लिए अपील की जा रही है कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घर के बाहर न निकले, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर के अंदर रहें, मास्क धारण करें। शेष अन्य लोग अगर आवश्यक नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो घर के बाहर ना निकले, आवश्यक है तो मास्क लगा करके ही पब्लिक प्लेस पे आए। अगर हम ये सभी लोग इन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें, वैक्सीन के साथ सबको जोड़ सकें और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, तो इस महामारी से सफलतापूर्वक हर गांव, हर कस्बा, हर जनपद, हर राज्य और पूरा देश सफलतापूर्वक निकल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होगा। और हमें विश्वास है कि हम सभी मिलकर के इस महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे। धन्यवाद जी। जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि जो संक्रमण दर है वो 2% तक पहुंच चुकी है। झांसी के दौरे पर थे सीएम योगी और उन्होंने कहा कि मीडिया की अहम भूमिका है लोगों को जागरूक करने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो घर से बाहर ना निकले और सुरक्षा पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि 1 जून से सभी जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होगा। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए। और तीसरी लहर का खतरा बच्चों